Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the long questions of zoology paper D, animal form and function. अच्छा, ये बेसिकली स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 23 से चैप्टर नंबर 28 तक, या 29 भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं आप. और कुछ बुक्स में, कुछ एडिशंस में, मिलन एंड हॉर्ले जोलॉजी के कुछ एडिशंस में चैप्टर नंबर 33 यानी एम्ब्रियोलॉजी भी इसी में इंक्लूडेड है. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इंटेगोमेंट्री सिस्टम ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स. इसमें आपने पोरीफेरा से लेके एकाइनोडर्म्स तक सबका कंपैरिजन करना है. सेकंड है कंपैरिजन ऑफ स्किन ऑफ चार्लस, कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस. अब इनके मेजर सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं इन तीनों कैटेगरीज की फिशेज़ की, और इनके डिफ्रेंसेज क्या हैं, ये हमने इसमें लिखना होगा. थर्ड वन है स्किन ऑफ एम्फीबियंस, एम्फीबियंस की स्किन के करेक्टर्स और साथ इनकी डायग्राम भी लाजमी. फिर सेम है रेप्टाइल्स के लिए भी कि इनकी स्किन के जो फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से होते हैं, ग्लैंड्स कौन से हैं, और इसके अलावा डायग्राम्स इसके साथ इंक्लूड करनी है. बर्ड्स की भी इसी तरह. उसके बाद लेयर्स कितनी है ममेलियन स्किन की, लेयर्स पर बात करनी है, वो बनी किस किस से हुई हैं. इसके अलावा ममेलियन स्किन में ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, ग्लैंड्स के अलावा मेमेलियन स्किन में जो करैक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जैसे हेयर हैं, नेल्स वगैरह हैं, इन पे बात करनी है. उसके बाद है नोट ऑन एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन की लेयर्स कौन सी हैं, उसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, मोल्टिंग वगैरह का सारा प्रोसेस इसमें डिस्कस करना है. देन स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है और कंट्रोल ऑफ मसल कंट्रैक्शन. ये था चैप्टर नंबर 23 से, ये लॉन्ग क्वेश्चन है सारे. इसके बाद अगर 24 पे जाएं जो कि नर्वस कम्युनिकेशन के बारे में है, तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. इसमें एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी डिस्कस करना है. इसके अलावा थ्री फेजेस जो हैं, पोलराइजेशन है, रीपोलराइजेशन वगैरह, हाइपर पोलराइजेशन, इसमें डिस्कस करनी है. इन्वर्टिब्रेट्स के नर्वस सिस्टम का एक कंपैरेटिव स्केच देना है. इसके बाद है ब्रेन, इसमें वर्टिब्रेट ब्रेन पर बात करनी है ब्रेन के पार्ट्स और डायग्राम के साथ. फिर वर्टिब्रेट रिसेप्टर्स का कंपैरिजन करना है. अच्छा, इसमें बैरो रिसेप्टर्स वगैरह, कीमो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, ये सारे आ जाएंगे. फोटो रिसेप्टर्स पे एक डिटेल नोट आ सकता है. एयर के स्ट्रक्चर और फंक्शन पे बात हो सकती है. स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली इसके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है. विजन का कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो पूछा जा सकता है वर्टिब्रेट्स का. उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 25 पे आएँ तो हार्मोनल एक्शन का मैकेनिज्म क्या है प्रोटीन्स जो हैं उनके लिए, और जो आरएनए के थ्रू जो है हार्मोन इफेक्ट करते हैं उनका क्या, लिपिड्स वगैरह, लिपिड है जो नेचर में हार्मोन्स, वो कैसे अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं. फिर एंडोक्राइन सिस्टम है आर्थ्रोपोड्स में, इसमें क्रस्टेशियंस का भी आएगा और इंसेक्ट्स का भी आएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं. देन क्वेश्चन नंबर 19 है एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन बर्ड्स. इसमें सिर्फ वो आएंगे जो बर्ड्स में अलग हैं बाकी सब से. इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके हार्मोन्स पे नोट आ सकता है. पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पार्ट्स हैं वो किस तरह के हार्मोन सेक्रेट करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, हार्मोन्स वैसे पूछे जा सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के. इसके अलावा पेंक्रियाज के हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, इन पर बात हो सकती है. क्वेश्चन नंबर 22 इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड सेल्स. इसमें तीनों तरह के ब्लड सेल्स आ जाएंगे. फिर ह्यूमन हार्ट पर एक डिटेल नोट, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है विद डायग्राम. देन इन्वर्टिब्रेट्स रिस्पायरेटरी सिस्टम, इसका कंपैरिजन हो सकता है. लंग्स की एवोल्यूशन कैसे हुई थी, लंग वेंटिलेशन का प्रोसेस ही शॉर्ट में भी आता है. बर्ड्स में गैस एक्सचेंज कैसे होता है, इसकी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. देन क्वेश्चन नंबर 28 ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये एक डिटेल्ड लॉन्ग क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 29 इज एनिमल स्ट्रेटजीज फॉर गेटिंग फूड. इसमें सारा बताना है हर्बीवोर्स का, कॉर्निवोर्स का, फिल्टर फीडर्स का, कंटिन्यूस फीडर, डिसकंटिन्यूस फीडर, वो सब के इसमें बात होगी. उसके बाद डाइजेशन के मोड कौन से होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर है, इंट्रा सेलुलर है, कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें दोनों की प्रैक्टिस हो रही है. इसके अलावा र्यूमिनेंट्स क्या होते हैं, इनके स्टमक के पार्ट्स कौन से होते हैं, ये शॉर्ट भी आता है. गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है. लीवर के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. इनवर्टिब्रेट्स में थर्मोरेगुलेशन भी इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा फिशीज़ में किस तरह होती है थर्मोरेगुलेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. हीट प्रोडक्शन वेज, थर्मोजेनेसिस, शिवरिंग और नॉन शिवरिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिशेज़ में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है, फिशेज़ ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं या ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, इस पर बात करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेटानेफ्रिक किडनी वर्क्स, काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. इसके अलावा मोड्स कितने हैं सेक्शुअल एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन के, ह्यूमन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हार्मोन रेगुलेशन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, प्रीनेटल डेवलपमेंट, एकाइनोडर्म एम्ब्रियोलॉजी, एम्फीबियन एम्ब्रियोलॉजी, बर्ड्स एम्ब्रियोलॉजी एंड फेट ऑफ जर्म लेयर्स,
तो ये बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चंस हैं पेपर जूलॉजी डी से, ठीक है। इसके अलावा हम शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसमें जो हैं वो अपलोड करेंगे।